के विषय में थोड़ा बताइए तिलक राम जी। हम खेती करता हूँ सर, और जैसे और सीमेंट लगाया था उसको काट लिया हूँ सर, और अब धान लगाने वाले हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? माता जी है, पिताजी है, एक भाई है और मेरी बेटी है, तीन बच्चे हैं सर। अच्छा, तो काम क्या करते हैं? काम यही खेती बाड़ी का करता हूँ सर। अच्छा, और नरेगा सरेगा में काम करता हूँ सर। ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बन रहा है आपका, तो बड़ा तगड़ा, क्या बात है? आपने कहा है सर, प्रधानमंत्री जी आपने दिया है। अच्छा अच्छा, आपको सरकार का लाभ मिला है। उसमें बनवा रहा होता है तो नीचे वाला बन गया, अभी ऊपर बना रहे हैं। हाँ, नीचे वाला साफ बन गया, स्लेब पर रही साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले कहीं नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे साहब। यानी ऐसे ही झोपड़ी में? झोपड़ी पहले बहुत दिक्कत थी साहब, ना एक घर था, छपरा था, बारिश में बहुत दिक्कत होती थी और गर्मी में भी दिक्कत होती थी, लेकिन आपने दिया बहुत अच्छा। अब है परिवार हमारा खुशी से रहेगा। तो अभी तो घर वालों को पक्का मकान मिल गया, तो घर वालों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई होगी? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। तभी मेहमान भी बहुत आते होंगे घर में। अभी हाँ आते हैं सर, पहले बहुत पहले झोपड़ी में तो कोई मेहमान नहीं आता है, अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे। हाँ सर। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई करवाते हो? हाँ सर, पर बच्चों पर आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ, खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। बस ऐसे ही कह दोगे क्या? खुद कुछ देंगे नहीं आप? कुछ देने की बात बोलो ना। अच्छा, मैं मांगता हूँ, देंगे आप? पक्का पक्का देंगे? अच्छा, देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे, कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे सर, पढ़ाते। पक्का? पक्का। और हर साल मुझे चिट्ठी लेके बताओगे कि भाई बच्चे अब यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? बताएंगे सर। तो ये वादा पूरा करना है आपको? पूरा करेंगे सर। देखिए, हमने आपको ये आवास दिया, सरकार की योजना से आपको लाभ मिला, तो देश की भलाई के लिए आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे सर, पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है, और आपकी माता जी के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, माँ के आशीर्वाद मिले ताकि हम सब अच्छा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिला सिद्धार्थ नगर के